नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हो ट्रेडिंग थेरेपी। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन का ट्रेडिंग से लॉस से परेशान हो तो यह वीडियो आपका बहुत ही काम का होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर सिल्वर का सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर माइक्रो के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्रेडिंग करके आप पर डे का एक प्रॉफिट बना सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस रैंडम इस वीडियो पर आ गए हो तो मैं आपको बता रहा हूं ये वीडियो आपका काम का होने वाला है और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशंस करके जाऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिल्वर का सबसे छोटी कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर माइक्रो है और सिल्वर माइक्रो करीब करीब 12 से 15 हज़ार में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज, अगर आपके पास फंड 20,000 है, 30,000 है, 40,000 है, 50,000 रुपया है, तो इन सारे लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि सिल्वर में होता क्या है कि अगर मान लीजिए सिल्वर माइक्रो का आप ट्रेड ले रहे हैं, सिल्वर माइक्रो, और अभी के डेट में बाय द वे अगर इसका प्राइस सपोज डेट मान लीजिए 95,000 रुपया के आसपास है, 95,000 है, तो करीब करीब मान लीजिए मेरे को 12,000 में मिल गया। तो होता क्या यहां पर है सिल्वर माइक्रो में, जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, तो यहाँ पर MTM लग जाता है। इतना जानकारी आपको होना चाहिए, मार्क टू मार्केट मार्जिन लग जाता है यहाँ पर। बहुत सारे ट्रेडर को नॉलेज नहीं होता है, ट्रेड ले लेते लॉस कर देते हैं, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। MTM होता क्या है, मार्क टू मार्केट मार्जिन। सपोज ऐसे समझ लो कि अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को मैंने खरीदा और आज की डेट में सेल कर, नीड नहीं इसका, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूं एक्सपायरी दिन तक। जैसे अभी नवंबर का मंथ चल रहा है और जून का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ हूं, तो जून तक या और भी मंथ तक मैं इसको वेट करना चाहता हूं, कैरी करना चाहता हूं। तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इस दिन 1,000 रुपया पोजिशन में हो गया, तो क्या होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में 1,000 रुपया ऐड कर दिया जाएगा, और अगर 1,000 रुपया का माइनस हो गया तो 1,000 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कुछ ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर मेरा ट्रेडिंग बैलेंस पहले 10,000 रुपया था, तो अगर 1,000 ऐड हो गया तो मेरा क्या हो गया, 11,000, और अगले दिन माइनस हो गया तो यहाँ पर प्राइस मेरा कितना हो गया, 10,000 फिर से वापस बच गया। कुछ इस तरीके से आपका मार्क टू मार्केट मार्जिन चलती है। जिस दिन आपने पोजीशंस काट दिया उस दिन आपका जितना प्रॉफिट रहेगा, जितना लॉस रहेगा, आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। ये हर दिन का, हर मिनटों या बोल सकते हर घंटों में क्या होता है, अप टू डेट कर दिया जाता है। इसलिए आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप सिल्वर का फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो इन चीज़ का जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सर, एक सवाल यहाँ पर है सर कि कितना से हम, अगर एक पोजीशन मेरे को लेना है सर, तो कितना से हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? तो एक चीज़ एकदम क्लियर रखना, जितना से अपने पोजीशंस लिया है तो 10,000 पॉइंट ऊपर चला जाए तो क्या हम करेंगे, और 10,000 पॉइंट नीचे चला जाए तो क्या करेंगे। अगर इसका बैकअप प्लान आपके पास अवेलेबल है तो सिल्वर माइक्रो में कभी लॉस नहीं हो सकता है। आप इस स्ट्रैटेजी को आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतना प्लान आप लेकर चलना कि अगर मेरे को 10,000 ऊपर चला जाए, 10,000 नीचे आ जाए, मैं इतना फंड रखा हुआ हूँ, मतलब कि 12,000 है तो 25,000 के आसपास आपका मिनिमम फंड अवेलेबल होना चाहिए एक लॉट के लिए। तो चलिए, हमारे में से आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम ट्रेड क्या करेंगे, देखिए, अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं तो दो चीज़ होना चाहिए, पहला प्राइस एक्शंस और दूसरा आपको न्यूज़ पता होना चाहिए। न्यूज़ कैसा, ग्लोबल मार्केट का है, क्योंकि सिल्वर का प्राइस इंडिया से नहीं डिसाइड करी जाती, ग्लोबल मार्केट से डिसाइड करी जाती है। दो चीज़ पर पकड़ है तो सिल्वर में आप बना सकते हैं। जैसे इंडेक्स में है तो इंडेक्स में क्या है, प्राइस एक्शन है, तो आराम से प्राइस एक्शन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अगर इतना है तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, ट्रेडिंग कैसे करना है, देखो, मैं मान लीजिए कि नवंबर में ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो नवंबर के साथ साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, जैसे अभी हमारा फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, इसके बाद आपका जून का है, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल का और जून का, चार कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ओपन है। तो हम करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपका, नवंबर के बाद आपका फरवरी का है, ठीक है, इसके बाद आपका अप्रैल का है, इसके बाद जून का है। तो हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो हम सिल्वर माइक्रो याद रख, सर्च करिएगा आप वहाँ पर सिल्वर माइक्रो, ठीक है। ट्रेड कहाँ करेंगे सर, तो देखो, एंजल वन में कर सकते हो, और भी ब्रोकर है तो वहाँ से आप कर सकते हो, एंजल वन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ बना सकते हो। तो सिल्वर माइक्रो सर्च करोगे तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट आप बना लेना, एक अलग ही वॉचलिस्ट बना लेना। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करोगे, एंट्री लोगे, यहाँ से आपको एंट्री नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय नहीं करना है, लेना है आपको, यहाँ पर वॉचलिस्ट बनाना है। और यहाँ करना क्या है, इसका चार्ट देखना है, ठीक है, ठीक है, कैंडल को देखना है, प्राइस एक्शन तो भी आप बोलते हैं, एक्शन देखना है यहाँ पर। ट्रेड इसमें नहीं लेना है, ट्रेड सर किस में लेना है, इसमें लेना है, नहीं तो इसमें लेना है, इसमें भी नहीं लेना है आपको, लास्ट का दो कॉन्ट्रैक्ट में लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, या फिर मार्केट ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो नीचे जाएगा तो सेल लेंगे, ऊपर जाएगा तो बाई लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज रहता है, जैसे समझो
हम लेंगे क्या, हम ट्राई करेंगे जून का, अगर मेरे को पूरी तरीके से कंफर्म है कि दो प्राइस एक्शंस और न्यूज जो है हर तरीके से मेरे को बता रहा है कि भाई मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बाई लूंगा। अब हो सकता है कि मैंने बाई लिया और मेरे मार्केट अगेंस्ट में चला गया, तो सबसे पहला चीज कि जून का कॉन्ट्रैक्ट लिया हूं, नवंबर मंथ चल रही है, जून तक मेरे पास टाइम है कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का, तो थोड़ा सा टाइम आप अगर दे सकते हो मार्केट को तो ये भी आपके लिए अच्छा है। अगर तुरंत मान लीजिए नवंबर में ले लिया मैं, तुरंत 5 दिन में प्रॉफिट दे दिया तो आपका प्रॉफिट है आपका, लेकिन जून तक आप चाहते हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आ गया, तो इसका बैकअप प्लान आपको बता रहा हूं, दो बैकअप प्लान है। पहला, अगर आप सेल करते हो, यहां पर ध्यान रखना, इसका आप हेजिंग भी कर सकते हो। हेजिंग कैसे कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि मैंने बाई कर लिया, अब क्या है कि टेंशन में है कि भाई मार्केट गिरेगी, अब हमको लॉस होने वाला है, तो अब इसका सॉल्यूशंस क्या है बताता हूं। पहला चीज की बाई है तो नीचे गिरेगा तो आपको लॉस दिखाएगा, ये तो क्लियर है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को लॉस ना हो तो पहला चीज बाई का वैसे ही छोड़ दो, अब आप श्योर हो पूरी तरीके से कि हम हो गए, तो आपको बता रहा हूं कि आपको लॉस भी नहीं होगा और आपको कोई पैसा भी नहीं लेगा। तरीका क्या बताता हूं, आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे यहां पर मैंने बताया जून का मैंने बाई करा था, तो मैं क्या करूंगा अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेल कर दूंगा, तो जैसे ही आप सेल करेंगे तो 1,000-2,000 रुपया लगेगा, कुछ भी ज्यादा पैसा, मान लीजिए मैं 12,000 इसको बाई करने के लिए दिया था जून का, तो लगभग 1-2,000 और लगेगा, मतलब 14,000 में बाई सेल दोनों हो जाएगा, तो मैं अप्रैल कर दूंगा यहां से सेल कर दूंगा और मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, क्या कर दिया सेल कर नीचे आया, बाई मैंने कर लिया, तो गिरते हुए मैंने क्या किया प्रॉफिट कर लिया। अब देखो जब नीचे आ गया बहुत अच्छा खासा, मान लीजिए यहाँ पर 5 या 10,000 पॉइंट नीचे आ गया, 10,000 पॉइंट नीचे आ गया, अब मैं क्या करूँगा कि बाई वाला पोजीशन को एक आध पोजीशन से एवरेज में कर दूंगा, फंड अगर मेरे पास है तो। अब इससे क्या होगा कि पहले आने तो उसको 10,000 पॉइंट लगा था, लेकिन जाने में इसको 5,000 लगेगा, 4-5,000 बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट में आ जाएगा पोजीशन, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये तरीका हो गया पोजिशनल का। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास समय है तो पोजिशनल कर सकते हो, अब इसमें कभी लॉस नहीं होने वाला है आपका, लेकिन दूसरा तरीका यहां पर है इंट्राडे। मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास मार्केट का नॉलेज है, अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो आप प्राइस एक्शंस प्लस आप अगर आपके पास ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज है, तो 6 बजे के बाद आप चार्ट के साथ बैठो, अगर आपका समय है टाइम है तो आप हर दिन का भी मोमेंटम का प्रॉफिट उठा सकते हो, ठीक है, तो ये आपका रहेगा आपका इंट्राडे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस एक्शंस ग्लोबल मार्केट का न्यूज, ये दोनों का पकड़ है, तो धीरे धीरे करके आप पर डे का लेवल का प्रॉफिट बना सकते हो। एक शॉर्टकट है जो आप यहाँ पे जान सकते हो, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी का शॉर्टकट। क्या होता है ना कि यहाँ पर बिड प्राइस और आस्क प्राइस, जो सेलर प्राइस होता है, होता क्या है यहाँ पर 2000 बिडर है, मतलब बायर है, और सेलर क्या हो गया 10,000, पता है कि भैया मार्केट गिरेगा तो सेलर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो यहां पर गिरेगा, तो हम सेल में यहां पैसा बना सकते हैं, ठीक है, या ऐसा इसका अपोजिट भी हो जाए, यहां 10,000 हो जाए, यहां पर 1-2,000 हो गया, तो हम समझ गए कि बायर कहां पर क्या है, बिडर बहुत ज्यादा है, तो हम यहां पर बना सकते हैं, तो ये भी इंट्राडे में आप कभी कभी कर सकते हो, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है, और भी बहुत सारा फैक्टर्स होती है, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा संभल कर आपको ट्रेड बनाना है। तो कैसे करना है थोड़ा सा लाइव करके आपको मैं इसको बता देता हूं। दोस्तों ये एंजल वन का अकाउंट है, अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हो या फिर एंजल वन में आपके पास अकाउंट नहीं है और चाहते कि आप ट्रेड करना कमोडिटी मार्केट में, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर डीमैट अकाउंट बना सकते हो, पूरा का पूरा सर्विस आपको फ्री मिलेगा, एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना उस पर, आपको सारी की सारी गाइडलाइन भी आपको वहां पर मिल जाएगा, या कॉल कर लेना कि सर मैंने अकाउंट बना लिया है आप मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो यहां देख सकते हो कि ये ट्रेड आपका मैंने एक वॉचलिस्ट बना लिया हूँ सिल्वर के नाम से, और सिल्वर का यहाँ पर देख सकते हो 4 कॉन्ट्रैक्ट है, जून का, अप्रैल का, फरवरी का और नवंबर का, 4 कॉन्ट्रैक्ट है, और चारों कॉन्ट्रैक्ट सेम टू सेम काम करता है, ऐसा नहीं कि अलग अलग काम करता है, 10, 20, 30 या 50 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, तो ये कोई डिफरेंस नहीं बोलेंगे, चलेगा यहाँ पर। अब देखो ट्रेड कहाँ, चार्ट कहाँ देखना है आपको, नवंबर में देखना है, यहाँ पर देख सकते हो आप। अब ट्रेड कहाँ लेना है तो जून में लेना है, ठीक है, इसको मैं बाई करूँगा जून में, जो भी लगेगा यहाँ पर मैं देख लूँगा सारा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बाई करने जा रहा हूँ, अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से बाई करूँगा, अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं यहाँ से सेल करूँगा, प्राइस उतना ही लगता है, लेकिन अब पहले से बाई करा हुआ है और अप्रैल में सेल कर रहे हो तो पैसा नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, तो ऐसे आप ट्रेड यहाँ से बना सकते हो सिंपल वे में, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी कुछ दिखा देता हूँ कि मैंने 1 महीना में कैसे प्रॉफिट बनाया है, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं भी ट्रेड करता हूँ। देखो बहुत सारा यूट्यूबर क्या करते हैं, आपको ज्ञान तो बहुत देते हैं लेकिन प्रूफ के साथ नहीं देते, तो मैं आपको प्रूफ भी आपको बता देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में ट्रेड हुआ है और यहाँ हर जगह ट्रेड होती है। कमोडिटी मार्केट में भी माहौल मिलता है, अगर पोजीशन तो कमोडिटी में भी होती है, ऑप्शंस में भी होती है, हर जगह होती है। यहाँ पर देखो कुछ ट्रेड आपका सिल्वर माइक्रो में भी हुई है, जैसे नवंबर में, फरवरी में, ठीक है, जून में भी ट्रेड यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर 26,000 44,000 ऐसे आपका ट्रेड यहाँ पर बनता है। तो अगर आप चाहते हो तो प्रॉपर ढंग से आप यहाँ से ट्रेड बना सकते हो, यहाँ से भी आपको एक अच्छी खासी मिल जाएगा। अगर कहीं भी डाउट होगा या कहीं कन्फ्यूजन है या कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हो कि मेरे को पूछना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपका वेलकम कर रही है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप डाल सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, तो एक कमेंट के अंदर आप डाल सकते हो। अगली कुछ वीडियो के अंदर उस डेडिकेटेड टॉपिक ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो डालकर आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको सारी की चीज़ें समझने में मदद मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, इससे हम सारे और हमारे टीम को मदद मिलती है। जय हिंद दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।